और ये भी देखो, हमारे मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह एक बात फरमाया करते थे कि दुनिया के सात अजाइब मशहूर हैं ना, सात अजूबा का आठवां अजूबा ये है, दुनिया में सबसे कम तनख्वाह उलमा की, यह आठवां अजूबा है। पूरी दुनिया में आप देख लो, सबसे कम तनख्वाह उलमा की है, और उलमा ने बड़ी कुर्बानियाँ की है, ऐसा नहीं दिन हम तक ऐसा नहीं पहुँचा है, बहुत गुरबत में ज़िंदगी गुजारी, फ़क्र में। हज़रत मिन्नूर रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के कितने बड़े आलिम थे, ज़बरदस्त, अपना जब मदरसा शुरू किया ना, गुरबत की हालत थे कि बेटे का इलाज नहीं कर सके, बेटे की आँख ज़ाया हो गई, अंधी हो गई, तो दुआ फरमाते थे हज़रत, ये अल्लाह मैंने आपके दीन के लिए अपने बेटे की आँख कुर्बान कर दी, अब आप उसे ज़ाया ना करें। तो अल्लाह ने कैसा चमकाया, मामूली बात नहीं है, बड़ी कुर्बान लोगों ने की है। मेरे उस्ताद थे, नाम नहीं रहता मैं, रहमहुल्लाह, इंतकाल फरमा गए, तो मुझसे कर्ज मांगते थे कि मौसम मुझे 5 रुपये दे दो, आइंदा हफ्ते दे दूंगा। मेरे अपने उस्ताद हैं, हमें उस वक्त ज़माने में 10 रुपये मिलते थे घर से खर्च के हफ्ते के, तो मैं अपने उस्ताद को 5 रुपये दिया करता था, मैं मुझे वापस भी करते थे, वो हालात मजबूरी, अपने शागिर्द से उस्ताद यानी कर्ज लेने पर मजबूर थे, ऐसे हालत में हमारी ज़िंदगी गुजारी है। हज़रत मौलाना यूसुफ़ मुतला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा, मैं तो पढ़ के हैरान हो गया, फरमाते हैं कि मुझ पर इस मुल्क में जहाँ लोग पैसे कमाने आए हैं 3-3 दिन का फाका आया है, इस मुल्क में रहते हुए फाका आया है, फाका, घर में खाना नहीं था, बीवी भी आधी हो गई थी, और एक ख़त में लिखते हैं मुझे इस फाके में वो लुत्फ आया जब पेट भरने में लुत्फ नहीं है, ये लिखा। हज़रत शेख को लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत आप समझते होंगे कि मैं लंदन में इस्तकबाल के लिए नहीं गया, जब हज़रत जी तशरीफ़ लाए थे, मौलाना मुर्तज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ताल्लुकात थे हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब के भी, मैं नहीं जा सका, लोग समझते हैं कि शायद यूसुफ़ ना गया हो, हज़रत बात यह थी मेरे पास लंदन जाने का किराया नहीं था, दारुल्बरी से लंदन जाने का किराया मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं जा नहीं सका। कैसी या इस मुल्क में लोगों ने कैसी कुर्बानियाँ की है, आज भी, अब तो हालात बहुत बदल गए मेरे दोस्तों, बहुत हालात बदल गए, क्या बताऊँ आपको। मैं एक आलिम मुल्ला को मैं गया, गए एक आलिम मुल्ला को मैं गए, घर वालों ने कहा कि गोश्त ले आओ, गए प्राइस देखी, एक चिकन लेकर आ गए, बच्चे ने पूछा हम तो गोश्त मंगवाया था, कभी नहीं था। ये इस मुल्क के हालात बयान कर रहा हूँ मैं, हमारे मोहल्ले के दूर के भी नहीं, ऐसे हालात है यहाँ के, हमें कभी ख्याल भी आया किसी का, हमें पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके से, हमने 3 महीना अल्लाह की पूरा उनको पूरा एक लैम हमने उनके घर पहुँचाया पूरा 3 महीने तक, फिर हालात अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क में लोगों के हालात ऐसे हैं, कभी उलमा भीख भी नहीं मांगते, बाशर्म बेहया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों ने बहुत एहतियात करनी चाहिए, जो आया ज़ुबान से बक दिया, जो आया ज़ुबान से बोल दिया, किसी के हालात हमें क्या पता, उलमा के हालात क्या पता, कि उलमा ने किस कुर्बानी से ज़िंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी कुर्बानी से दिन हम तक पहुँचा हुआ है, और मैं हालात बयान करूँ उलमा क्या हैरान हो जाए, कैसे कैसे हमारे अकाबिर ने और हमारा उलमा ने किस कुर्बानी, कम तनख्वाह में, कम बिल्कुल मामूली उजरत में ज़िंदगी गुजार दी, मामूली उजरत में। एक आलिम फिलहाल में गया हिंदुस्तान, एक आलिम की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे भाई ने बताया मुझे, नहीं मुझे कॉलेज में बताया कि मौन साहब फना आलिम जो हैं दिन में एक वक्त खाना खाए, 2 वक्त खाना नहीं खाते, हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, हम समझते हैं गुजरात सबसे बड़ा मानदा इलाका है, उस इलाके की बात कर रहा हूँ, हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए हमें अपने माल से मैं सलाम पेश करता हूँ उलमाए बाटली को, बरतानिया के, उन्होंने एक चैरिटी पूरी ऐसी बनाई कि जो सिर्फ उलमा का ताउन करेगी बस, और लॉकडाउन के ज़माने में उसने माशाल्लाह कई हज़ार पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया के उलमा का ताउन किया, कई हज़ार, लॉकडाउन के ज़माने लोगों के पास जॉब नहीं था ना, कई हज़ार उलमा को खाना पहुँचाया, तनख्वाह पहुँचाई, गल्ला पहुँचाया कई कई हज़ार उलमा को। बहरहाल हमें अपने माल से भी ख्याल रखना चाहिए, ये भी उम्मत का एक हक है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।